घर से लेके आ रहा था बच्ची का दवा कराने के लिए, कुत्ते ने काट लिया था पागल, उसको सुई लगवाना था। जगदीप मतलब 4 इंजेक्शन लग चुका था, एक लगवाना बाकी था, उसी को लगवाने लेके आ रहा था, अचानक एक खांचा आया, दोनों नीचे गिर गए, बस इतना ही हुआ सर और कुछ नहीं। तो उसके बाद आपने क्या किया? भाई मैंने उसको उठा के रोड के बाहर, रोड पे गिरा था, रोड से उठा के बाहर किया। बाहर करने के बाद में मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं अपनी माँ के पास भाग के गया, उसको बुलाने लेके आने गए गाँव से आदमी, वही तड़पते हुए छोड़ दिया। नहीं तड़पा नहीं था कोई, वो जान था ही नहीं, मर गए तुरंत, तुरंत देन नहीं रहा। वहाँ पब्लिक नहीं थी? पब्लिक थी, कुछ थी। तो किसी पब्लिक को बताया नहीं, आप डायरेक्ट निकल गए वहाँ को, जो लोग थे देखा था घटना को? हाँ देखा था, जो रोड पे चलते हुए आदमी थे कुछ देखे। फिर उसको आप छोड़ के निकल गए? निकल के नहीं गया सर, मैं कुछ देर वहाँ पर था, फिर मैं गया अपने घर से गाँव, गाँव से आदमी बुलाने। उसके बाद? बस उसके बाद मैं यहाँ आ गया इधर। कब यहाँ पे आए आप? यहाँ को मैं आया था शाम को ही। शाम को आए? कल थाना क्षेत्र जगदीशपुर में एक एक्सीडेंट की सूचना थी, जिसमें एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा था अपनी पत्नी और बेटी के साथ, और उसकी बाइक गड्ढे में गिरी, जो वहाँ पे लोगों द्वारा बताया गया, और जो पीछे बैठी हुई थी पत्नी और बेटी वो गिर गए, जिनसे उनको सर में इंजरीज आई काफ़ी और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पुलिस द्वारा सूचित किया गया के परिवार वालों को भी, और जो पत्रकार है उसके परिवार वालों को, देर रात पत्रकार के परिवार वाले पहुंचे हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि साहब इस चीज़ की जांच करा दी जाए कि ये जब एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद लड़का बॉडी छोड़ के चला क्यों गया। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई है, पोस्टमार्टम में जो भी फाइंडिंग्स आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, और आसपास के लोगों से जो प्राथमिक पूछताछ की गई है कल शाम तक, उसमें ये बात आई थी कि एक्सीडेंट हुआ है और गड्ढे में बाइक गिरी है, जिससे दोनों लोग गिरे हैं और उनको इंजरीज आई है चोट। अगर मृतका के परिजनों द्वारा, मायके वालों द्वारा कोई और बात प्रकाश में लाई जाती है और पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स उसको कॉर्बोरेट करती हैं तो आगे कार्रवाई होगी। कोई परिजनों का आरोप है कि कल शाम 6 बजे से लाश को जो है वही थाने परिसर में रखा गया है, अभी अखबार में लपेट के पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा गया? नहीं, अखबार में नहीं लपेटा गया है, बॉडी बैग में उसको रखा गया है, और मायके वालों का ये कहना था कि जब तक हम ना आ जाएँ तब तक बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ना भेजा जाए। मायके वाले क्योंकि यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, देर रात पहुँच पाए, जब मायके वाले आ गए और वो मुतमैन हो गए, संतुष्ट हो गए, उसके बाद ही पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा।